केंद्र सरकार द्वारा वाहन दुर्घटना होने पर वाहन चालक को धारा 106(2) के तहत 10 वर्ष की सजा के साथ 7 लाख का जुर्माना भी देने का तय किया गया है। संसद में ये बिल पारित करने के विरोध में पाली जिला परिवहन टैक्सी यूनियन एवं पाली जिला एम्बुलेंस ड्राइवर संघ यूनियन व भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर नामित मेहता को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष मनोज आदिलाल एवं एम्बुलेंस चालक राजू देवासी ने बताया कि हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक कानून पास किया गया, जिसके तहत वाहन चालकों से दुर्घटना होने पर 10 वर्ष की सजा और 7 लाख का जुर्माना लगाया गया। यह कानून ड्राइवर भाइयों के लिए हित में नहीं है। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता। ड्राइवर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 10 या 12 हज़ार की मासिक नौकरी करता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि पारित बिल में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो घायल को अस्पताल पहुंचाना अनिवार्य है, नहीं तो कानून ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। घटनास्थल पर कोई ड्राइवर अगर रुकता है तो घटनास्थल पर जमा भीड़ इस पर हमला भी कर सकती है। और ज्ञापन के जरिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा जो यह बिल पारित किया गया है उसको वापस ले, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जा सकता है। जिला कहा टैक्सी यूनियन से सभी सदस्य आए हैं और अभी गृह मंत्रालय से जो नया कानून पारित किया है, जो ड्राइवर को 10 लाख का 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, उसमें हम ड्राइवर भाइयों की सभी की मांग है कि इस कानून को बंद करें, इस कानून पर सरकार रोक लगाए, क्योंकि ड्राइवर एक 10 लाख का 7 लाख का जुर्माना और 10 साल अगर उसकी सजा हो जाती है तो 12-13 हज़ार कमाने वाला उसका घर बर्बाद हो जाएगा। और ये नियम हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, ऐसे नियम लागू नहीं किया जाए, यही हमारी सरकार से उम्मीद है। ऐसा है कि केंद्र सरकार द्वारा एक कानून पास किया गया है जिसपे केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों पर कुठारघात करते हुए उनके ऊपर एक कानून के तहत ये कहा गया है कि भाई जो ड्राइवर दुर्घटना करता है तो 10 साल की तो उसे सजा होगी प्लस 7 लाख रुपये जुर्माना होगा। जानबूझ करके कोई भी ड्राइवर ऐसी गलती नहीं करता, दुर्घटना नहीं करता है, कोई किसी को मारना नहीं चाहता है, फिर भी इस प्रकार की अगर ये चीज़ होती है तो ये कानून बनाया वो गलत कानून है। और वापस कहा गया है कि भाई जहाँ पर दुर्घटना होती है वहाँ से आपको उस घायल को उठा करके अस्पताल पहुँचाना है, तो जहाँ दुर्घटना होगी उस घायल को लड़ने के लिए अगर ड्राइवर खड़ा रहेगा तो वहाँ भीड़ एकत्रित होकर के उस ड्राइवर को तो पीट पीट करके मार देगी, है ना। तो अब पाली जिला एम्बुलेंस संघ के द्वारा एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय का नाम का जिला कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस कानून को दुरुस्त किया जाए। आप यूनियन के अध्यक्ष हैं और एम्बुलेंस जो अभी हाल ही के सरकार द्वारा जो पारित हुआ है उसको लेकर आपका क्या विरोध प्रदर्शन है? जो ड्राइवर भाइयों के आक्रोश पैदा हुआ है वो हम कलेक्टर साहब को जाके ज्ञापन दे रहे हैं और गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति महोदय से यही निवेदन करते हैं कि जो ये कानून प्रस्ताव लाया गया वो निरस्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? फिर आगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, हड़तालें भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, चक्का जाम भी हो सकता है।